नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका inkhabar.com पर। आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच लीड्स में होने वाले कल के मैच की। जी हाँ, ये मैच बहुत अहम है भारतीय टीम के लिए। हालांकि श्रीलंका ही टीम के लिए मैच इतना ज्यादा अहम नहीं है, क्योंकि श्रीलंका टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। भारतीय टीम के लिए भी अहम इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में तो जगह बना चुकी है, लेकिन अब भारतीय टीम की जो लड़ाई है वो भारत ऑस्ट्रेलिया टीम से है, जिसको उनको पहले नंबर से हटाकर पहले नंबर पर पहुंचना है। अगर भारतीय टीम पहले नंबर पर पहुंच जाती है तो उसका मुकाबला चौथे नंबर की टीम से मैनचेस्टर में होगा, अदरवाइज उसको तीसरे नंबर की टीम यानी इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा। तो भारतीय टीम के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ बदलाव देखने पड़ सकते हैं कल के मैच में, जिस तरीके से भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भी वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला है, जैसे रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा ने अभी तक एक भी मैच वर्ल्ड कप में नहीं खेला है, तो हो सकता है कल रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिले। किसी एक फास्ट बॉलर को कप्तान विराट कोहली बिठाएं और रविंद्र जडेजा को टीम में लें। और जहां तक यहां की विकेट्स का सवाल है, विकेट्स बहुत ज़्यादा ड्राई है। जैसे कि आपने बाकी मैचेस में विकेट देखे हैं, एकदम बल्लेबाजों को सपोर्टिंग विकेट्स है। अगर जो भी टीम यहां पर टॉस जीतती है तो यकीनन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी, क्योंकि यहां पर विकेट्स पहले थोड़ा आसान खेलने में होता है, पहले 15-20 ओवर, उसके बाद रन बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। भारतीय टीम के लिए तो ये मैच जीतने की जंग है ही। श्रीलंका टीम के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि श्रीलंका टीम को ये मैच अपनी साख बचाने के लिए जीतना है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। लेकिन जाते जाते श्रीलंका टीम चाहेगी कि जीत के साथ अपने सफर का अंत करे। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मौसम की। अभी तक आपने देखा था, पिछले दो हफ्ते पहले तक इंग्लैंड में बरसात का मौसम था, काफ़ी मैच इफेक्ट हुए थे बरसात से। लेकिन इस वक्त मौसम एकदम साफ है, क्लियर वेदर है, एकदम सनी डे रहेगा कल भी। जैसे आज के दिन धूप निकली हुई है, कल भी पूरा दिन सनी डे रहने का अनुमान है। और थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो एक पूरा 50 ओवर का मैच आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और